हिमाचल शिक्षा समिति द्वारा बिलासपुर के सरस्वती विद्या मंदिर छात्र स्कूल में 3 दिवसीय प्रांतीय गणित विज्ञान मेले का आयोजन किया गया है। इस मेले में प्रदेश भर से करीब 400 बच्चे अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने पहुंचे हैं। इन बच्चों द्वारा तैयार किए गए विज्ञान व गणित विषय के करीब 200 मॉडल प्रदर्शनी में लगाए गए हैं, जिनका आंकलन विशेषज्ञों द्वारा किया जा रहा है। इसके अलावा प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन भी किया जा रहा है। प्रांतीय वैदिक गणित के प्रमुख नवीन शर्मा ने बताया कि यह प्रतियोगिता विद्या भारती की कार्य योजना के तहत हर वर्ष स्कूल स्तर से राष्ट्रीय स्तर तक आयोजित की जाती है, जिसके माध्यम से बच्चों को विभिन्न विषयों के बारे में जानकारी दी जाती है। इस बार बच्चों द्वारा सोलर सिस्टम व जल संरक्षण सहित वर्तमान चुनौतियों व नए नए आविष्कारों को लेकर मॉडल तैयार किए गए हैं। नवीन शर्मा है, मैं प्रांतीय वैदिक गणित विषय का प्रमुख हूँ और यह जो प्रतियोगिता है ये 14 अक्टूबर सायं से 16 अक्टूबर तक ये 3 दिन चलने वाली है और इसमें 12 जिलों के प्रतिभागी जो हैं वो इसमें प्रतियोगिता का प्रदर्शन कर रहे हैं और लगभग 400 बच्चे जो हैं इसमें उपस्थित हैं और भिन्न भिन्न प्रकार की प्रतियोगिता जिसमें गणित विषय, विज्ञान विषय और संगणक विषय रहता है और इसके साथ जो है हमारा पेपर रीडिंग गणित विषय का भी और विज्ञान विषय का भी उसमें रहता है। शिशु वर्ग, इनकी शिशु वर्ग से लेकर के तरुण वर्ग तक, शिशु वर्ग 4th और 5th कक्षा के जूनियर टीम से लेकर के सीनियर टीम तक रहता है और उसके साथ मैथ की एक्टिविटीज रहती है, साइंस की एक्टिविटीज रहती है और साथ में जो प्रदर्श मॉडल जो हैं वो भी रहते हैं और लगभग 200 मॉडल जो हैं इसमें सभी वर्गों के, जिसमें संगणक, गणित और साथ में विज्ञान विषय के रहते हैं और साथ में जो प्रश्न मंच है, जो क्यूज है, वो भी शिशु वर्ग से लेकर के तरुण वर्ग तक हमारी जो प्रश्न मंच है ये चलती रहती है और इनका आयोजन जो है संकुल स्तर से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक का इसका आयोजन जो है प्रतिवर्ष विद्या भारती की कार्य योजना के अनुसार ही किया जाता है और इन प्रदर्शनों में जो हमारे सोलर सिस्टम है, जल संरक्षण है, वर्तमान जो चुनौतियाँ उनके विषय हैं और जो हमारे पूर्व में जो वैज्ञानिक रहे हैं, गणिताचार्य रहे हैं, उनके बारे में जो उन्होंने पूर्व में आविष्कार किए हैं और वर्तमान में जो हमारा डिजिटल इंडिया की जो बात हो रही है और नई तकनीक की बात हो रही है उसका सामूहिक रूप से चिंतन करते हुए आगे बच्चे के अंदर वैज्ञानिक सोच उत्पन्न करना और वैज्ञानिक सोच के द्वारा पर बच्चे के अंदर तर्क शक्ति, विश्लेषण शक्ति उनकी विकसित हो और बच्चा जो है। सीडी चैनल के लिए बिलासपुर से सुभाष की रिपोर्ट।